आज से 15 दिन पहले पानी का लेवल ही पूरा टेंट जो इसके नीचे था कुछ इस तरह का नज़ारा हो रखा था। 15 दिन पहले यहाँ पे तो पानी का लेवल काफ़ी हाई हो गया था, तो हमने सारे टेंट यहाँ से हटा दिए थे। एक बार ऐसे हमने राफ्टिंग भी स्टार्ट की थी यहाँ से, अभी पानी एकदम पूरा डाउन पे जा चुका है, तो एकदम पानी कलर ब्लू हो रखा है। अभी हम लगाने वाले हैं यहाँ पे टेंट, और ये रहा यहाँ का लोकेशन। अभी टेंट लगाना स्टार्ट करते हैं, तो चलो भाई लोग चलो रेडी हो जाओ। फाइनली टेंट लग चुका है, तो मदन भाई कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, मेरा फोन आ रहा है, मैं फोन कर रहा हूँ थोड़ा बिजी हूँ। चलो ठीक है, आप बिजी हो, और भाई लोगों से बात करते हैं हम अभी। चलो तो इस वाले टेंट को भी सही से लगा रहे, इसकी रोप ऊपर नीचे और के दे। और बिक्की भाई यहाँ पे डोम टेंट क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे पिक्की भाई ने अकेले पूरा टेंट क्लोज कर लिया, देखो डोम टेंट पूरा, सारे रजाई गद्दे सारे बाहर। तो बिक्की भाई कुछ अपनी शुद्ध भाषा में बोलना चाहोगे? तो हम क्या बताएं, अभी हमारा सीजन ऑफ हो गया जैसा लग रहा था, फिर से पानी नीचे घट गया, फिर उसके बाद अभी हमने दोबारा टेंट लगा रहे हैं, तो आई होप ग्रुप आएंगे यहाँ पर और स्टे कराएंगे, फिर से सीजन ऑन हो जाएगा। थैंक यू। सो गाइस, एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। वेलकम टू आवर चैनल पहाड़ी बॉय मनीष, और आप देख रहे हैं लद्दाख की खूबसूरत हसीन और सुंदर सुंदर वादियाँ, और ये जगह है नुब्रा वैली। और अभी हम लगा रहे थे टेंट, तो टेंट हमने लगा दिया, और ये डोम टेंट क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे विक्की भाई। और आज कल से जो है धूप काफ़ी तेज पड़ रही है, और रात रात को एकदम ठंडा मौसम है, दो दो रजाया ओढ़ के सो रहे सब लोग। तो चलो आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. और ये हमारा किचन, अभी किचन क्लोज हो रहा है क्योंकि सब गेस्ट जा चुके हैं लंच करके। ये हमारे राफ्टिंग गाइड है, खाने का टाइम मिस्टर मदन ने की खाने का टाइम नहीं मिला इनको, ये लंच अभी कर रहे हैं। टाइम हो रहा है अभी 6:01, और कुछ बाहर बैठे हमारे रेस्टोरेंट के लोग और सारे स्टाफ इधर बाहर बैठे हैं। और ये हमारे दोनों मैनेजर मुंडिया नीचे खाना खा रहे, देखो कितना कितना खा रहे भर भर के। और शाम के बज रहे 6, अभी मैं आया हूँ अपने बेस के ठीक ऊपर, तो सामने नीचे पे हमारा बेस, और अभी यहाँ पे धूप देखो आप पीछे, मैं और पंकु भाई है मेरे पीछे। चलो अभी आपको दिखाते हैं पूरा आगे का नज़ारा, जो यहाँ से एकदम खतरनाक दिख रहा है व्यू पॉइंट, कुछ इस तरह दिख रहा है यहाँ से नज़ारा, बहुत ही सुंदर। और वो रहा सामने नीचे पे हमारा बेस, तो यहाँ से ऐसे दिख रहा है।
और बहुत ही सुंदर नज़ारा, चमचमाते पहाड़, नीला आसमान और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें पहाड़ी बॉय मनीष। तो आप देख सकते हैं ठंड से क्या हालत हो रखी है, फेस एकदम ड्राई हो रखा है, नहीं जाएगा यार पत्थर। तो अभी मार रखा हूँ अपने बेस से ऊपर। तो चलो अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा मैं, आप लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। बोलना नहीं, हाँ मिलेंगे जल्द, दिखाता हूँ मैं आपको आगे का नज़ारा। और जो आपको रोड दिखाई दे रही है नीचे पे, तो इस साइड के लिए जाता है पूरा हुंदर दस्कित सियाचिन के लिए जाता है ये वाला रूट। और जो ये वाला यहाँ से जाता है नुब्रा वैली और ले मेन सिटी के लिए, यहाँ से ये रूट जाता है। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है मून, और अंधेरा हो चुका है यहाँ पे फुली एकदम से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें पहाड़ी बॉय मनीष। सो जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में। आजकल मैं छोटे छोटे ब्लॉग इसलिए बना रहा क्योंकि अपलोड होने में यहाँ पे टाइम लगता है, तो इस वजह से छोटे छोटे ब्लॉग में बना रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय लद्दाख।